एमएस धोनी साहब रिटायर हुए हैं इन द एज ऑफ 39 और साथ में सुरेश रैना भी, दोनों ही हमारे देश की आन बान शान, क्रिकेट की पहचान, सही मामले में क्रिकेट का हिंदुस्तान, दोनों रिटायर हो गए। मैं कह सकता हूँ कि सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं की जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये माही सुरेश की जोड़ी, इसलिए दोनों रिटायर हो गए। लेकिन बहुत क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा ये कह सकते कि दिल थोड़ा दुखा है सबका, लेकिन इस बात की खुशी है कि आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल तो खेलना ही है भाई साहब, इस 2020 को तो हमें सबक सिखाना ही है, 2020 को छोड़ना नहीं है हमें, बहुत रुलाया इस 2020 ने। हाँ, 2020 ने हमसे हमारा माही छीना है, समझे, लेकिन बदला लेगा हमारा माही, कैसे दूर जा सकते हैं। और साथ में इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों खिलाड़ियों के लिए, कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक मैच में खड़े हो जब ये महेंद्र सिंह और धोनी, सुरेश रैना एंड धोनी। तो बहुत दुख तो बहुत हो रहा है इनके रिटायरमेंट का, लेकिन उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा कि ड्रीम गर्ल फिल्म के राइटर डायरेक्टर हमारे राज सैंडलिया जी ने एक कमेंट किया है राहुल गांधी जी को लेके, बीइंग कांग्रेसी मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी कहते हो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम वो कांग्रेस जो है वो हम कॉमेडियंस का ग्रुप है, हमारे सिद्धू साहब उसमें हैं, हमारे गुरु कॉमेडी के राहुल गांधी साहब उसमें हैं, उनके लिए आपने कमेंट किया मुझे बहुत दुख हुआ। आदरणीय राज सैंडले जी ने कहा है कि धोनी तो रिटायर हो गए, इंटरनेशनली रिटायर हो गए, लेकिन राहुल गांधी खेलते रहेंगे अपनी पारी। तो मैं राज साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बिंग कांग्रेसी, क्या इंटरनेशनली रिटायर होना ही रिटायरमेंट होता है? राहुल साहब पिछले 20-25 साल से नेशनली रिटायरमेंट है, नेशनली रिटायर्ड है, उसका कुछ नहीं। और धोनी साहब तो सिर्फ फिजिकली रिटायर हुए हैं ना, हमारे आदरणीय गुरुजी मेंटली रिटायर्ड है पिछले कई सालों से, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। कितनी ही बड़ी हार आ जाए, कितनी ही धुतकार आ जाए, कितनी ही लतकार आ जाए, फिर भी हमारे गुरुजी जो है वो कभी भी मैदान नहीं छोड़ते। आज भी उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन पप्पू पास हो जाएगा। राज सैंडले जी, ये बात याद रखिएगा, एक ना एक दिन वो पास होंगे। ऐसा मत कहिए कि वो रिटायर्ड नहीं हुए, वो रिटायर्ड है और उनकी वजह से पार्टी भी टायर्ड है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत है। धन्यवाद, लव यू धोनी जी, सुरेश रैना साहब, लव यू।